नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? अभी एक न्यूज़ कटिंग आप लोगों ने सुबह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये चल रहा है रेलवे के तमाम एग्जाम्स की वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए। देखा जाए तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों ने देख लिया होगा। हमने भी परीक्षा प्लस के आपके चैनल पे जो है कम्युनिटी पोस्ट में आपको ये करवा दिया था, बट बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं कि सर कितनी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। एक आप लोग को पता होगा कि एनटीपीसी का भी नया फॉर्म आया है जिसमें लगभग 2,000 वैकेंसी हैं, 11,000 बहुत कम वैकेंसीज हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसलिए उत्सुक हैं कि अगर इसमें वैकेंसीज बढ़ जाती तो फिर हमारा फॉर्म भरना क्या हो जाता, कहीं ना कहीं साकार हो जाता और सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता। एक बात समझिएगा बच्चों कि कंपटीशन लगभग हर दशा में सेम ही रहता है, नो डाउट थोड़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये रहता है कि हाँ भाई हमारे पास सीट सीट ज़्यादा है, पद ज़्यादा हैं, लेकिन जब वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं तो उसी के सापेक्ष में क्या होते हैं, फॉर्म भी ज़्यादा पड़ते हैं। बट यहाँ पे एक बात लागू होती है कि जब फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं, कितना भी फॉर्म पड़ जाए, जो मेन कॉम्पिटिशन होता है वो टॉप के 5 से 7% बच्चों में होता है, बाकी जो होती है केवल भीड़ होती है और ये तमाम परीक्षाओं में लगती है। ऐसे ही रेलवे की तरफ से एलपी वैकेंसी की बात करें, टेक्नीशियन वैकेंसी की बात करें, जेई वैकेंसी की बात करें, तो इन वैकेंसीज में भी पद बढ़ने की लगातार बात चल रही है। हालांकि एलपी में तो पद बढ़ चुके हैं, 5,000 के आसपास से लेकर 18,799 बढ़ चुके हैं। हम लोग देखें टेक्नीशियन में भी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, 9,144 से 14,200 के आसपास पद बढ़े हैं, लेकिन अभी आरआरबी जेई और एनटीपीसी पे बच्चों की नज़र बनी हुई है और क्या है पूरा मामला हम लोग समझते हैं और कितनी वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्या आपका इसका प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है, सब कुछ मैं आपके सामने लेके आया हूं और एक एक चीज आपको डिस्कस करूंगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि सबसे ऑथेंटिक चीजें, सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको आपका बड़ा भाई देने का प्रयास करता है और साथ में परीक्षा प्लस ऐप पे तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से करवाई जाती है जो रेलवे के कोई भी बैच मात्र 199 रुपए में है। आते हैं इस न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ा होगा और इसमें यह बोला है कि रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती परीक्षाओं में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और की ओर से जारी निर्देशों के बाद उम्मीद बंधी है कि एनटीपीसी और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। अब देखिए इन्होंने एएलपी की बात नहीं की क्योंकि एएलपी में मतलब भर के पद लगभग 3 गुना बढ़ा चुके हैं, 3.3 गुना, और इसीलिए इन्होंने बात किसकी की है, जेई की, टेक्नीशियन की और एनटीपीसीपी की, क्योंकि टेक्नीशियन में भी जो पद बढ़े हैं वो मात्र 5,000 बढ़े हैं और वो भी केवल उनके बढ़े हैं जो नए आपके नए कैटेगरी जो ऐड हुए हैं, नए आपके वर्कशॉप ऐड हुए हैं उनका क्या हुआ है, उनका सम अप करके बढ़ाया गया है, जो पहले से एग्जिस्टिंग वैकेंसीज थी उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे अगर हम लोग बात कर लें तो एनटीपीसी में भी बहुत सारे कम पद हैं और जेई में भी अगर पदों की संख्या देखा जाए तो बढ़ने की उम्मीद है और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉजिटिव कहीं ना कहीं न्यूज तो हमारे लिए गुड न्यूज तो एक होती ही है कि वैकेंसीज हमारे लिए बढ़ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या वैकेंसीज यकीनन बढ़ेंगी, क्या वास्तव में बढ़ सकती हैं, इनके लिए हमको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा तभी हम समझ पाएंगे। दूसरा न्यूज कटिंग है ये, इसमें भी वही चीज बोल रहा है और ये 11 सितंबर का एक क्या है सर्कुलर है जो सतीश कुमार के द्वारा यहां पर अगर आप देखेंगे और ये रेलवे के सीईओ के तरफ से चेयरमैन की तरफ से ही ये क्या है जो सर्कुलर है ये जारी किया गया है और इसमें साफ साफ बोला गया है क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर न्यू एसेट्स। यहां पे वैकेंसीज की नहीं बात कर रहा है, यहां पे एसेट की बात कर रहा है, न्यू एसेट के लिए कुछ पोस्टों को बढ़ाना, नए पोस्ट का सृजन करना। नए पोस्ट का सृजन करना मतलब ये होता है कि कितने अभी वास्तव में रेलवे के अंदर कर्मचारी हैं, कितने पद इतने निर्धारित हैं, उसमें कितने कार्य करने वाले हैं, कितने रिक्त हैं, तो टोटल जो पद होते हैं मतलब कि इतने इंप्लॉयज मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। लेकिन जी क्या कर रहे हैं, एसेट बढ़ा रहे हैं और इन्होंने कई जगह जिक्र किया है कि जैसे 2030 तक इन्हें 3,000 मिलियन टर्नओवर का क्या करना है, एक टारगेट है कि मतलब रेलवे की तरफ से जो कमाई हो वो 3,000 मिलियन का टर्नओवर होना चाहिए। अभी वास्तव में देखा जाए 2013-14 से देखा जाए तो 1610 मिलियन टर्नओवर ही क्या है इनका, यहां एनुअली जो टर्नओवर है 1610 मिलियन का ही है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, जो क्योंकि लक्ष्य इनका 3,000 एमटी का है और 3,000 एमटी के लक्ष्य के कारण इन्होंने क्या किया है कि अब एसेट्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई चीज बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपको स्टेशंस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको ज्यादा ट्रेन चलानी पड़ेगी। सीधी सी बात है, आपको ज्यादा ट्रेन चलानी पड़ेगी, ट्रेन ज्यादा चलानी पड़ेगी तो स्टेशन ज्यादा होंगे, स्टेशन के साथ उनमें मैन पावर ज्यादा होगी, ट्रेन को चलाने वाला होना चाहिए, उनके जो सिग्नल होते हैं उस डिपार्टमेंट को संभालने वाला होना चाहिए, बाकी जो आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के बहुत सारे पद होते हैं जो ट्रेन के संचालन में कहीं कहीं मदद करते हैं और इसमें साफ साफ
दूसरा पे ही बोला गया है कि इस एग्जीक्यूशन में ट्रेन के संचालन में क्या किया जाए, इसके लिए जो एसेट्स बने हैं, एसेट्स नए आए हैं, उनके लिए क्या किया जाए, नए मैन पावर की जरूरत है तो नए पोस्ट का सृजन किया जाए। तो अब ये क्या पद एक सप्ताह, डेढ़ सप्ताह, दो सप्ताह में सृजित हो जाते हैं? मैं आपको बोलूंगा ये एक दो सप्ताह, तीन सप्ताह की बात नहीं होती, इसमें महीनों लगते हैं, ये पिछले दो तीन साल से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बिहाफ पे हम ये बोल दें कि नहीं नहीं तुरंत आपकी वैकेंसीज बढ़ रही है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जब इनके पास क्या हो रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होंगे जहां पे अभी भी वैकेंसीज रिक्त होंगी, तो उनके सापेक्ष में वैकेंसी बढ़ सकती है। तो अब रही बात कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है, जो मेन उद्देश्य हम लोग इस सेशन का कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी की वैकेंसी बढ़ेगी, तो ये बहुत पहले से चर्चा चल रही है कि लगभग 30,000 वैकेंसी एनटीपीसी की आ सकती है, बट इन्होंने केवल 11,000 वैकेंसी दिया है, तो इस हिसाब से इनको क्या करना है, लगभग 22,000 वैकेंसी या फिर 20,000 बोल दो आप, 19-20,000 वैकेंसी कम से कम और ऐड करके देना चाहिए। तो ऐसा चांस ये देखा जा रहा है कि ये वैकेंसी 20,000 से लेके 25,000 के बीच में बढ़ सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो अगर इस सर्कुलर के बिहाफ को माना जाए तो नए पद आपके सृजित तो होंगे, लेकिन तुरंत सृजित होकर आपके कंटिन्यूड वैकेंसी में नहीं बढ़ेंगे। जैसे एएलपी की वैकेंसी बढ़ी, तो एएलपी की वैकेंसी के लिए नए पद थोड़ी सृजित हुए, उनमें और भी बहुत सारे जो यूनिट्स थे उनको इंक्लूड कर लिया गया। या ऐसा हो सकता है कि जो रेलवे मिनिस्टर हैं या जो सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, ये बात ये बोल सकते हैं कि भाई हम जब नए पद सृजित करेंगे तो अगली वाली वैकेंसी में उसको ऐड कर देंगे, जो हमें दूसरे एकेडमिक ईयर में वैकेंसी लेके आना है उसको हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं 11,000 इस साल की वैकेंसी, 11,000 अगले साल आने वाली थी, 11 से 15,000, तो वो वैकेंसी इसमें ऐड होकर टोटल वैकेंसी आपकी 20 से 25,000 एनटीपीसी की जा सकती है, जो आपको थोड़ा सा सही जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भटकिए मत। बाकी क्या एएलपी की वैकेंसी बढ़ेगी, तो एएलपी की वैकेंसी बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी और बढ़ सकती है, हाँ ऐसा हो सकता है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी थोड़ी सी और बढ़ जाए। क्या जेई की वैकेंसी बढ़ेगी, जेई की वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांस है, और क्योंकि अभी एनटीपीसी के अभी फॉर्म चालू हुए हैं, तो एनटीपीसी के भी फॉर्म आपके, इसकी भी वैकेंसी बढ़ सकती है। और ये साफ साफ यही, इस अगर सारे पॉइंट को पढ़ोगे तो इसमें यही पूरी चीजें बताया गया है कि बार बार मैन पावर को इन्हें क्या करना है, मैन पावर को बढ़ाना है। इन्होंने बोला क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट एंड एडिशनल कंस्ट्रक्शन न्यू लाइंस इन रेलवे मैंडेटरी मैंडेट्स ऑल पैरामीटर स्पेशली सेफ्टी रिलेटेड पैरामीटर्स टू बी मेट फॉर क्लियरेंस बाय कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी फॉर सेफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेन्स। और इन्होंने इसी मैन पावर को ग्रुप बी और ग्रुप सी में बढ़ाने के बात किए हैं, क्योंकि ये नए एसेट्स लेके आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खबर एक पॉजिटिव खबर है और बढ़ सकती है इन्होंने। अच्छा एक चीज और देखा जा सकता है, एक चीज ये है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से इन सारे सर्कुलर्स का एक इशारा इधर भी होता है कि अगर हम ये चीज बोल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो रेलवे को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, उनका राजकोष ज्यादा से ज्यादा भरेगा, ये भी एक होता है। और इसी कारण से आप दोनों न्यूज़पेपर के देखोगे तो लैंग्वेज दोनों की एकदम सेम है, यहां पे देखेंगे ऐसे में युवाओं की भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए, रेलवे में इन भर्तियों के पदों की संख्या बढ़ा सकती है। और यही लाइन आपका ये दूसरे न्यूज़पेपर में है, ऐसे में युवाओं की भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए, रेलवे बाद में इन भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ा सकती है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो रिपोर्टर है वो सेम चीजें लिखने का प्रयास कर रहा है इस न्यूज में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो। हालांकि मैं इसके लिए इस संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं आप अप्लाई मत करो, अप्लाई तो आपको करना ही है, वैकेंसी कम हो या ज्यादा हो आपको फाइट लड़ना करना है, आपको तैयारी करनी है, बहुत क्लियर सी बात यह है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि नहीं वैकेंसी कम है हम फॉर्म ना भरें, और कोई बच्चा ये सोचता है वैकेंसी बहुत ज्यादा है हम फॉर्म भर दें, तो आप दोनों ही क्या है, मूर्ख कैटेगरी में है। जो सही सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है, जो तैयारी करने वाला बच्चा होता है, उसे वैकेंसीज पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, उसे ये चाहिए कि हाँ भाई एक पद आए हैं, वैकेंसीज आई हैं, अब मेरे अंदर प्रतिभा होगी तो मैं मेहनत करके क्या करूंगा, इसे निकाल लूंगा। तो आपके दिमाग में भी यही होना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे इसके रिलेटेड मैं आपको बताता रहूंगा। यह है समरी ऑफ एसेट्स जो बढ़ाया गया है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि कहां पे कौन से एसेट्स इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से वैकेंसी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट में देखेंगे तो 7,950 से 10,000, यहां पे 1,00,000,
के आसपास गए हैं, 40% इंक्रीज हुआ है। अगर सिग्नल्स में जाएंगे तो यहाँ पे 1,18,000 से 1,51,000 28% हुआ है। ट्रैक सर्किट में 61,000 से लेकर 2,26,269% हुआ है। ऐसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ईआर में तो बाकी 5,886 से लेकर 6,375 मात्र 12%। कवच जो अभी नया नया आया है इसमें अगर देखेंगे तो ये आपका 486% क्या हो रहा है, 486% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो ये लास्ट के जो 5 साल में बढ़ोतरी हुई है उनकी बात है। अब क्योंकि इन एसेट पिछले 5 साल में इतने एसेट बढ़ा लिए गए हैं तो अब इनके लिए मैन पावर की आवश्यकता है जिसके लिए नए पद सृजित करेंगे। एक चीज समझिएगा, वैकेंसी इस बार बढ़ के आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि ये पद क्या होंगे, सृजित होंगे। तो ये वैकेंसी अभी नहीं तो अगले साल में ऐड होके आएगी, इसलिए आप तैयारी अभी करते रहो कि अगर एक चांस मिनिमम, मैं ये मान के चल रहा हूं कोई छोटा सा चांस कि मान लो किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सत्य भी यही है कि भाई लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे और सिलेक्शन तो केवल उन्हीं का होगा जितनी संख्या में पोस्ट है, तो बाकी क्या होंगे 90-95% बच्चे, 98% बच्चे सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये सोच के चलो कि भाई अगली बार ये वैकेंसीज आएगी और आपकी तैयारी क्या होगी, पहले से ही आपकी तैयारी रहेगी तो आपका सेकंड में चांस बढ़ जाएगा। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूं कि भाई जो बच्चा मेहनत से तैयारी करता है, लगातार तैयारी करता है, उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होता जो लापरवाही करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको लापरवाही करना है या मेहनत करना है, तो मेहनत करके आप अभी सिलेक्शन ले लीजिए, अगली बार क्या आलम हो इसका कोई पता नहीं है। ये आपके एनटीपीसी का भी फॉर्म आ चुका है जिसके बारे में मैं तमाम जानकारी परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पर दे चुका हूं। और वैकेंसी किस जोन में बढ़ेंगी तो यह देखा गया है कि जिस जोन में वैकेंसी पहले से रही है उस जोन में वैकेंसी का फायदा उतना ही ज्यादा हुआ है। तो ये जो 4 जोन है इन्हें माना जा रहा है कि इसमें वैकेंसी का फायदा सबसे ज्यादा होगा। कुछ और जोन जैसे आपके प्रयागराज हो गए, इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ जोन आपके जैसे मालदा हो गए, आपका कुछ जोन जैसे आपका क्या हो गया अजमेर हो गया, इन सारे जोन में क्या होते हैं, इन सारे जोन में बेंगलुरु हो गया, इनमें फायदा होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कि यहां पे पोस्ट आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। और यह मैं सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो। बाकी रेलवे की क्लासेस आपकी शाम को 6 बजे से, इस समय तो मैराथन हम लोग लेके चल रहे हैं परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल पे, तो आप अपनी तैयारी जांचने के लिए कि भाई कहां पे और कितनी तैयारी आपकी हो गई है, आप इन क्लास को शाम को 6 बजे परीक्षा प्लस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग अवश्य देखिए। और अगर आपको किसी बैच से जुड़ना है तो रेलवे के सारे बैचेस अभी ऑफर पीरियड में मात्र 199 में चल रहे हैं, जो आपके बहुत बेहतर कोर्स चलाया जा रहा है। और आप यकीनन इससे जुड़ के एक बात महसूस कर पाएंगे, हाँ यार इतने कम प्राइस में इतनी जबरदस्त तैयारी शायद कोई 700-800 हजार रुपए के बैच में भी नहीं करवा पा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे जैसे ईबुक ढूंढते रहते हैं कि अगर ये प्रैक्टिस ईयर पीवाईक्यूज हमें मिल जाता तो ये इसकी भी फैसिलिटीज भी परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे ईबुक का सेक्शन आएगा, वहां पे ये सारी चीजें अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप अपनी तैयारी में अपनी तैयारी से भटकेंगे नहीं। वैकेंसी इंक्रीज होगी तो भी आपके लिए ठीक है, वैकेंसी नहीं इंक्रीज होगी तो भी भाई जितना पद है उतने के लिए आपको तैयारी करनी ही थी। ये सोच के मत बैठिए कि नई वैकेंसी जब बढ़ेगी तभी हम तैयारी करेंगे, ये सही तरीका नहीं होता है। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का।